तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं अपने जियो फाइबर का कनेक्शन हटवा रहा हूँ, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी या फिर कुछ मुझे दिक्कत लगी, बस मुझे इसका एक बेनिफिट होने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, शायद आपको भी वो बेनिफिट हो जाए। और साथ ही में कम्युनिटी टैब में मैंने आस्क देसी के नाम से एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने पूछा था कोई भी क्वेश्चन है जियो फाइबर के बारे में आप पूछ लीजिए, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। हालांकि वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए, टोटल 5 क्वेश्चंस आए, बाकी जो वीडियोस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए काफी के मैंने रिप्लाई कर दिए, और जो काफी मेन कमेंट्स थे जिनका जो है रिप्लाई नहीं कर सकता था, वीडियो में उनका मैं आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी डाउट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर करे थे, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहले बात करें मैं अपने जियो फाइबर का कनेक्शन क्यों हटवा रहा हूं। इस कनेक्शन को मैंने आज से 1.5 साल पहले लिया था, 2019 के अप्रैल में लगवाया था। मैंने इसके 4,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, और बदले में मुझे ये राउटर मिला था और जियो फाइबर का कनेक्शन मिल गया था। तो मैंने 2019 के अप्रैल से लेकर 2019 के दिसंबर तक तो मैंने फुल जियो फाइबर का अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट यूज किया हाई स्पीड के साथ। तो मुझे फ्री इंटरनेट मिला 4,500 रुपए देने पर। तो जैसे ही जनवरी आया, जियो फाइबर ने अपने प्लान लॉन्च कर दिए जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने सस्ते वाला प्लान का रिचार्ज करवाया, तो मुझे एक साथ में सेटअप बॉक्स दे दिया गया, ये वाला सेटअप बॉक्स है, ये मुझे फ्री मिला था जो कि अभी भी फ्री दिया जा रहा है। तो यहां पर मैं बात करूं सेटअप बॉक्स की, तो अच्छा सेटअप बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहां पर बात करूं, ये ओल्ड सेटअप बॉक्स है जियो का, इसमें काफी ज्यादा फीचर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, नए वाले सेटअप बॉक्स में काफी बढ़िया फीचर्स हैं जो कि इसमें नहीं है। तो यहां पर जस्ट 2020 की सितंबर में जियो फाइबर अपने न्यू प्लान्स लॉन्च करता है, न्यू कनेक्शन लॉन्च करता है, वो भी काफी कम प्राइस में, 2,500 रुपए में राउटर प्लस सेटअप बॉक्स प्लस 30 डेज के लिए फ्री इंटरनेट। यहां पर मेरे पास जो सेटअप बॉक्स था ये ओल्ड था, इसमें काफी फीचर्स नहीं थे। तो मैंने जो जियो एग्जीक्यूटिव है मेरे एरिया का, यहां पर जो कनेक्शन बुक करते हैं, तो उन्हें मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि मेरा सेटअप बॉक्स जो है ओल्ड वाला है, मुझे न्यू वाला लेना है। उन्होंने कहा कि आपको न्यू वाला ऐसे तो नहीं मिल सकता, आप क्या करिए न्यू कनेक्शन ले लीजिए, जो अभी जो लॉन्च हुआ है वो वाला ले लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो पहले से ही कनेक्शन है, मैं न्यू का क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पहले वाला हटवा दीजिए। मैंने कहा रिफंड कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पूरा रिफंड मिलेगा, क्योंकि आपका पहले वाला प्लान था, मुझे इतना कंफर्म था कि रिफंड मिलेगा, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे रिटर्न करने पर फुल रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये तो सही है, 4,500 रुपए मेरे वापस आते हैं, बदले में मुझे न्यू कनेक्शन मिलेगा और 2,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि पुराने वाला कनेक्शन हटवाते हैं, न्यू वाला लेते हैं, जिसमें मेरे 2,000 रुपए सेव प्लस 30 डेज के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। तो यहां पर मैंने न्यू वाला कनेक्शन बुक कर लिया है। इस कनेक्शन को जल्द ही मैं कटवाने वाला हूं, जैसे इसका पूरा होता है, जो मैंने रिचार्ज किया होता है 2-4 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, हटवा दूंगा। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी कैसे कनेक्शन हटवाना है, कैसे हटता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और साथ में रिफंड के लिए क्या करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और कैसे रिफंड आता है, कितने टाइम पीरियड में आता है। तो जब ये पूरा हो जाएगा मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो न्यू कनेक्शन लॉन्च हुए जियो फाइबर के, उसमें भी रिटर्न का ऑप्शन है और रिफंड का ऑप्शन है। तो वहां पर काफी लोग रिटर्न भी करेंगे, उनको रिफंड भी मिलेगा। तो वहां पर मैं पहले आपको बता दूंगा आपको क्या करना होगा और कितने टाइम पीरियड में रिफंड होगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर मैं बात करूं इस चैनल पर जियो फाइबर के ऊपर जितनी हो सके इंफॉर्मेशन वीडियोस आने वाली हैं, तो यहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहां पर जो मेन बात आ रही है, मेरे 2000 रुपए सेव हो रहे हैं। अगर आपका भी ओल्ड कनेक्शन है 4,500 रुपए वाला, तो आप ये चीज कर सकते हैं, आपको 4,500 रुपए वापस मिल जाएंगे, और न्यू कनेक्शन ले लीजिए, वहां पर आपके 2,000 रुपए सेव हो जाएंगे। ये चीज आप कर लीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए अगर आप उठा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा मैं क्यों जियो फाइबर का कनेक्शन हटवा रहा हूं, कनेक्शन काफी बढ़िया है, बस ये रीजन था हटवाने का। यहां पर अब बात कर लेते हैं डाउट्स की, क्वेश्चंस की, मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करें जियो फाइबर का कनेक्शन कैसे बुक करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में वीडियो है, वहां पर मैंने लास्ट में दिखाया था कि आपके एरिया में अगर जियो फाइबर का कनेक्शन है तो आपको कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको जल्द ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा, 2-4 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट करने के बाद जो आपका कनेक्शन लगा दिया जाएगा। और साथ में एक मैंने दिखाया था कमिंग टू योर एरिया सून, तो यहां पर काफी ज्यादा लोगों का कमिंग टू योर एरिया सून, अगर आपका आ रहा है कांग्रेचुलेशन जल्द ही कांटेक्ट किया जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिए 2-4-5 दिन के अंदर आपके साथ कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आपके ये लिखा रहा है कमिंग टू योर एरिया सून, इसका मतलब वैसे ये है कि आपके सिटी में अभी जो है सर्विस अवेलेबल नहीं है जियो फाइबर की, लेकिन जिनका ये लिखा आया उनको जो है कॉल
कॉल आई कि आपसे दो चार दिन में कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपका जियो फाइबर का कनेक्शन बुक हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी और दो चार पांच महीने बाद आपके एरिया में जियो फाइबर का कनेक्शन आएगा, तब आप लगवा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन होंगे। अगर आपका लिखा आता है कमिंग टू योर एरिया सून, आपको 5 डेज तक वेट करना है, आपको कॉल आ जाएगी, तो ठीक है। अगर नहीं आई तो मतलब आपके एरिया में सर्विस नहीं है। और एक और तरीका है पता लगाने का कि आपके एरिया में जियो फाइबर का कनेक्शन है या नहीं। आपके एरिया में जो होगा पोस्टर्स लगे होंगे, पैम्पलेट्स बटे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा उससे। और जो है खंबे जो होते हैं, पोल होते हैं, उनके ऊपर भी लगा होगा और आपको जियो फाइबर के पोल्स दिख जाएंगे, खंबे दिख जाएंगे कि हाँ आपके एरिया में कनेक्शन है। तो वहां पर नंबर भी दिया जाता है, वहां से नंबर नोट करिए और उस नंबर पर कॉल करिए। वो लोकल एग्जीक्यूटिव का नंबर होगा तो आपको जल्दी कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो ये चीज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन है, एक में मर्ज करके मैं आपको आंसर दे रहा हूं। जियो फाइबर कनेक्शन बुक करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन है, एक है 2500 रुपए वाला, एक है 1500 रुपए वाला। 2500 रुपए वाले में सेटअप बॉक्स दिया जा रहा है राउटर के साथ में और डेटा मिल रहा है, और 1500 रुपए वाले में राउटर और डेटा की सर्विस दी जाएगी। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 2500 रुपए वाला कनेक्शन लेता हूं, उसमें मुझे सेटअप बॉक्स मिल रहा है, पहले 30 डेज फ्री है, 30 डेज फ्री यूज करने के बाद, उसके बाद मैं राउटर तो रखना चाहता हूँ, जियो फाइबर का कनेक्शन तो रखना चाहता हूँ, लेकिन सेटअप बॉक्स वापस करना चाहता हूँ, क्या सेटअप बॉक्स वापस हो जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं 1500 रुपए वाला जो है ऑप्शन लेता हूँ जिसमें सिर्फ राउटर और डेटा दिया जाएगा 30 डेज फ्री यूज करने के बाद, उसके बाद मैं अलग से सेटअप बॉक्स ले सकता हूँ जियो का? तो यहाँ पर दोनों का आंसर नहीं है। जियो फाइबर पहले से आपको दो ऑप्शन दे रहा है, सेटअप बॉक्स वाला या बिना सेटअप बॉक्स वाला। तो पहले से ही डिसाइड करके रखिए, जो पहले ऑप्शन में मिल रहा है वही मिलेगा, ना उससे आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में जो मिल रहा है उतना ही मिलेगा, ना उससे आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जियो वॉइस कैसे वर्क करती है, इसके लिए पर्टिकुलर सिम दी जाएगी, नंबर दिया जाएगा, कैसे है? आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, आई बटन में वीडियो है, देख लीजिए। उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है लेकिन समझाया मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से, 1 साल पुरानी वीडियो है, उसे देख लीजिए। जियो वॉइस के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे वर्क करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जियो फाइबर का कनेक्शन मैं ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ किसी दूसरे एरिया में, सिटी में, क्या चार्जेस है, ट्रांसफ़र होगा या नहीं? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 के अंदर रहता है, उसने अपने घर में जियो फाइबर का कनेक्शन लगवाया, अब जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में शिफ्ट कर रहा है, तो वहां पर वो जियो फाइबर का कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहता है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या सेक्टर 10 के अंदर जियो फाइबर की कनेक्शन सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर सर्विस ही नहीं है। अगर है तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना ही आपको न्यू कनेक्शन लेना है, पुराना कनेक्शन ही ट्रांसफर हो जाएगा, वही नंबर, वही सेटअप बॉक्स, वही राउटर रहेगा, बस आप सिंपली यहां से हटवाकर वहां चले जाइए, वहां पर लगाने के लिए आ जाएंगे और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर वो पर्सन चंडीगढ़ से बाहर ट्रांसफर हो रहा है, फॉर एग्जांपल अंबाला में शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पर जो है ट्रांसफर नहीं होगा, आपको पुराने वाला कनेक्शन कैंसिल करके हटवाकर अंबाला में जाकर लगवाना होगा, अगर वहां पर सर्विस अवेलेबल हुई तो। विद इन अ सिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, आउटसाइड सिटी ट्रांसफर नहीं होगा, न्यू कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर मैंने एक डाउट अपनी तरफ से बनाया है, शायद आपको भी वो डाउट होगा। डाउट ये है कि जियो फाइबर का कनेक्शन मैंने ले लिया, फर्स्ट 30 डेज फ्री है, अगर पसंद आया तो रख सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया रिटर्न करके पूरा रिफंड मिल जाएगा। यहां पर मेन क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमें पूरा रिफंड मिलेगा या फिर कुछ कटकर मिलेगा? यहां पर पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे फ्री ट्रायल खत्म होने वाला होता है, अगर उससे पहले हम रिटर्न रिक्वेस्ट लगा देते हैं कि हमें जियो फाइबर कनेक्शन पसंद नहीं आया, हम रिटर्न करना चाहते हैं, फ्री ट्रायल पीरियड के अंदर अंदर ही हमने रिक्वेस्ट लगा दी, तो हमें फुल रिफंड मिल जाएगा। अगर 30 डेज पूरे हो जाते हैं फ्री ट्रायल वाले, उसके बाद अगर हम रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वहां पर 1000 रुपीज काट के बाकी जितना बचता है 500 या 1500 रुपए वो मिलेगा। तो जियो एग्जीक्यूटिव के जो पर्सन थे बुकिंग के लिए आए थे, मैंने उनसे ये बात पूछी, उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने जियो फाइबर का कनेक्शन बुक कर लिया, 30 डेज मैंने उसे पूरा यूज किया फ्री ट्रायल पीरियड में, 30 डेज पूरे हो गए, उसके बाद अगर मैं कोई भी प्लान का रिचार्ज करवा लेता हूं, 399 या फिर 800 वाला, जो भी प्लान
प्लान का रिचार्ज है वो मैं करवा लेता हूँ, और फिर उसको यूज करने के बाद अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो मुझे जो है 1000 रुपीज कार्ड के जितना बचेगा वो मिलेगा। तो ये चीज उन्होंने मुझे कही, अगर जो 30 डेज का फ्री ट्रायल के बाद मैं कोई भी प्लान का रिचार्ज नहीं करवाता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसके बाद उसे यूज ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी प्लान का रिचार्ज नहीं करवाया, एक्टिवेट नहीं किया कोई भी प्लान। तो ये चीज आप ध्यान में रखेगा, बाकी अभी क्लियर नहीं है ऐसा मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में तो ये लिखा है फ्री 30 डेज जो ट्रायल है उसके अंदर अंदर ही रिटर्न करना होता है तभी पूरा रिफंड मिलता है। तो यहां पर सेफ साइड रहने के लिए अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं पहले 30 डेज के अंदर ही रिक्वेस्ट डाल दें, वरना हो सकता है कि आपके 1000 रुपए काट के आपको बाकी रिफंड मिले। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उनका रिप्लाई, या फिर अगर वीडियो बनानी हुई तो मैं वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, और हाँ आप पूरी वीडियो देखा करिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फालतू की बातें करता हूँ, जो बात करनी होती है मैं वही बताता हूँ, आप पूरी वीडियो देख लीजिए करिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई बार ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी वो कमेंट में पूछा गया होता है, तो मतलब ये क्या है कि मतलब मैं दोबारा से थोड़ी बताता रहूंगा। तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए करिए और ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आने वाले टाइम में जियो फाइबर के ऊपर काफी वीडियोज आने वाली है, और बाकी कंज्यूमर बेनिफिट से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।